हाइपरटेंशन आप सबको मालूम है कि एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, जिससे आज के ज़माने में सारी दुनिया में ही ज़्यादातर लोग इससे मुतासिर हो रहे हैं। हमारे अपने मुल्क हिंदुस्तान के अंदर भी बहुत सारे पेशेंट्स हाइपरटेंशन के हैं और मज़ीद होते चले जा रहे हैं। इसको जानना ज़रूरी है कि हाइपरटेंशन एग्जैक्टली होती क्या है और कैसे हो जाती है और किन लोगों को ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। हाइपरटेंशन दरअसल बढ़े हुए ब्लड प्रेशर का नाम है। अगर वो बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर बहुत दिनों तक बढ़ा रहता है, जिसकी कुछ वजूहात होती हैं, कुछ रीजंस होते हैं कि अगर उसका ब्लड प्रेशर एक पर्टिकुलर लिमिट से बढ़ा हुआ रहता है और ऐसा ही सस्टेन रहता है, हम उसको हाइपरटेंशन की डेफिनेशन में काउंट करते हैं। आमतौर से हाइपरटेंशन को जानने के लिए हमको मरीज़ का ब्लड प्रेशर चेक करना पड़ता है और हमको लगातार 3 दिन तक ब्लड प्रेशर चेक करना पड़ता है और उसको एक ही वक्त में एक ही जाविये से एक ही तरीके से हम उसका ब्लड प्रेशर चेक करते हैं और फिर अंदाज़ा करते हैं। उसके कुछ पैरामीटर्स हैं उसको जांचने के कि उस मरीज़ को क्या हाइपरटेंशन है या हाइपरटेंशन नहीं है। तो ये एक बड़ा अहम मर्ज़ है जिसके ज़रिए से, और सिस्टमेटिक मर्ज़ है जिसके ज़रिए से जिस्म के दूसरे जो ऑर्गन्स हैं वो भी मुतासिर होते हैं, ख़ासकर दिल और दिमाग बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं, किडनी मुतासिर होती है। तो इसको जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हाइपरटेंशन दरअसल जो बड़े क्लासिफिकेशन में अगर हम देखते हैं, उसके दो टाइप्स हम कर लेते हैं कि एक प्राइमरी हाइपरटेंशन कहते हैं और एक हम सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहते हैं। प्राइमरी हाइपरटेंशन हम उन लोगों को उस साबते में डालते हैं कि जिनका बावजूद कोशिश के हम जानते हैं कि इन मरीज़ों को कैसे रीजंस को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशंस में बहुत ज़्यादा हमको उनकी तफसील पता नहीं चलती है, उनकी एटियोलॉजी की, उनके रीजंस की, हम उनको कहते हैं ये प्राइमरी हाइपरटेंशन के पेशेंट्स हैं। और ऐसे पेशेंट्स जो प्राइमरी है, जिसको कभी हम एसेंशियल हाइपरटेंशन भी कहते हैं, ऐसे मरीज़ों की तादाद काफ़ी ज़्यादा है। तकरीबन 90% के आसपास ऐसे मरीज़ होते हैं। एक और तरह की हाइपरटेंशन जिसको हम क्लासिफाई करते हैं वो होती है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। आमतौर से ज़्यादातर रीजन से हम सेकेंडरी हाइपरटेंशन के देखते हैं तो उसमें किडनी के मामला हमको नज़र आते हैं कि उसमें किडनी इन्वॉल्व होती है, जो गुर्दे होते हैं वो मुतासिर होते हैं आमतौर से, हालांकि उसके दूसरे और भी बहुत सारे रीजन्स होते हैं। लेकिन ऐसे पेशेंट्स की तादाद निस्बतन कम है, ज़्यादा तादाद होती है जो एसेंशियल हाइपरटेंशन है, जैसे मैंने अभी अर्ज़ किया, प्राइमरी हाइपरटेंशन के पेशेंट जो होते हैं उनकी तादाद ज़्यादा होती है। तो ये हाइपरटेंशन के बारे में बुनियादी बातें हो गई। हाइपरटेंशन आप बुनियादी तौर पर अगर देखें, जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं, आजकल का जो लाइफस्टाइल है, जो हमारी डाइटरी हैबिट्स हैं, जो खाने पीने के जो हमारी हैबिट्स हैं, जो हमारे काम करने के सलीके हैं, जो हम स्ट्रेसफुल लाइफ गुजार रहे हैं, जो हम खाने पीने में मुश्किलात के साथ हम चीज़ें ले पा रहे हैं, हमको प्योर चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं, या हम फास्ट फूड की तरफ हम चले जा रहे हैं, या हम जंक फूड ज़्यादा इस्तेमाल करने लगते हैं, या हमारे खाने में जो एतदाल है, जो नॉर्मल बैलेंस होना चाहिए वो नहीं होता है, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स लाइफस्टाइल चेंजेस के तौर पर जिनको हम लेते हैं, वो हाइपरटेंशन को पैदा करने में उनका बड़ा रोल है। यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन आप सब जानते हैं कि एक बहुत अहम सिस्टम ऑफ मेडिसिन है और हिंदुस्तान में बहुत प्रचलित है और बहुत सारे लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी, जहाँ पे मैं मुलाजिम हूँ, जहाँ पे मैं काम करता हूँ, जहाँ पे मैं यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के डिपार्टमेंट का हेड हूँ, वहाँ पर बहुत सारे पेशेंट्स हाइपरटेंशन के आते हैं और हम उनको रोज़मर्रा उनका इलाज करते हैं, उनको बहुत सारा फ़ायदा पहुँचता है। दरअसल यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में बजाय खुद हाइपरटेंशन नाम से, पुराने ज़माने में जो पुराने हमारे जो फिजिशियंस होते थे, जो यूनानी के स्कॉलर्स होते थे, वो एज सच हाइपरटेंशन नाम नहीं होता था उस ज़माने में, लेकिन उस ज़माने में तमाम सिम्टम्स और तमाम चीज़ें बहुत सारे मरीज़ों में देखी जाती थी और हम इसको यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में ज़िख्तुद्दम कवि के नाम से जानते हैं कि ज़िख्तुद्दम कवि के नाम से जानते हैं। जो हाइपरटेंशन का अगर मैं यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के नाम से जानना चाहूँ तो उसको ज़िख्तुद्दम कवि कहते हैं। अब अगर किसी मरीज़ को हाइपरटेंशन हो ही जाता है तो मेरी नज़र में, सिर्फ इसलिए नहीं मैं कह रहा हूँ कि मैं यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन का एक स्कॉलर हूँ या यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन का एक डॉक्टर हूँ या फिजिशियन हूँ, बल्कि मैं अच्छे से जानता हूँ कि जब इसके इलाज की बात आती है, जब इसको संभालने की बात आती है, तो यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो कि एक मुकम्मल तरीका इलाज है, मुझे लगता है कि मरीज़ों को यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन की तरफ रुजू करना चाहिए, उनकी तरफ आना चाहिए और उसका इस्तेमाल करना चाहिए ताकि इस बीमारी से छुटकारा पाया जा सके या इस बीमारी को कंट्रोल किया जा सके। यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में हाइपरटेंशन को हम दो तरह से समझ सकते हैं। जो ज़िख्तुद्दम कवि, जैसे मैंने आपसे बताया, इसको हम दो तरह से समझते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। एक तो ये है कि हम जिस्म के अंदर जब फ्लूइड्स का कंजेशन हो जाता है, जिसको हम इम्तला कहते हैं यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन की ज़ुबान में, जिसमें हम कहते हैं कि जो बॉडी के वेसल्स हैं उनके अंदर कंजेशन हो जाता है, उनमें इम्तला हो जाता है, वो जो वेसल्स हैं वो बढ़ जाती हैं,
जिसमें वॉल्यूम के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया है, जो ब्लड वॉल्यूम है, फ्लूइड्स वॉल्यूम है, उसके ऊपर फोकस किया गया है। जो दूसरा आस्पेक्ट है उसको इम्तला बहसबुल कुवा कहते हैं, जिसमें क्वालिटी ऑफ मैटर के ऊपर बात की गई है कि जब क्वालिटी ऑफ मैटर किसी लेवल पर कंप्रोमाइज़ हो जाती है तो वो भी हाइपरटेंशन डेवलप करने का एक डेवलप होने का एक रीज़न डेवलप हो जाता है, एक वजह बन जाती है। तो यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में जब हम इसको ज़िख्तुदमी कवि कहते हैं तो ज़िख्तुदम कवि को समझने के लिए दो तरह से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक है जो मैंने आपको बताया इम्तला बहसबुल औया, और एक है जो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं थ्रू इम्तला बहसबुल कुवा, जिसमें पहले वाले के अंदर कंजेशन के ऊपर हम फोकस करते हैं और दूसरे वाले के अंदर जो फोकस है वो क्वालिटी ऑफ मैटर के ऊपर फोकस किया जाता है। ये बुनियादी तौर पर हाइपरटेंशन को यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में इन जावियों के ज़रिए से समझने की कोशिश की गई है। जहाँ तक यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में हाइपरटेंशन या ज़िख्तुदम कवी को मैनेज करने का ताल्लुक है, तो मैं बुनियादी तौर पर मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि सबसे अहम बात है वो ये है कि अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करना होगा। हमको अपनी डाइटरी हैबिट्स चेंज करनी होंगी, जिसके अंदर हमें नमक का इस्तेमाल कम करना होगा, चिकनाई का इस्तेमाल कम करना होगा, हमको रोज़मर्रा अपने आप को रिलैक्स रखना होगा, घूमना होगा, हमको मेडिटेशन की प्रैक्टिस करनी होगी, हमको अपने लाइफ स्टाइल चेंज करने होंगे। एक बात तो बुनियादी पार्ट जो है वो ये है, वो हर मरीज़ के साथ अटैच्ड है, जो ज़िख्तुदम कवि का या हाइपरटेंशन का मरीज़ है उसके लिए ये तो करना ही करना होगा। जहाँ तक दवाओं का ताल्लुक है, मैंने आपसे अर्ज़ किया, पहले भी बार बार कह रहा हूँ कि यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन एक मुकम्मल तरीका इलाज है और बहुत अच्छा तरीका इलाज है। ऐसे मरीज़ों का खासकर इसमें बहुत अच्छा और उम्दा इलाज होता है। मुझे लगता है, जहाँ तक मेरा ज़ाती ख्याल है, मैं इसका एक्सपर्ट भी हूँ और मुझे अंदाज़ा भी है, बाकी मरीज़ों से देखता हूँ, उनको इलाज करने की कोशिश करते हैं, कि यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन से बहुत सारे लोगों को खातिर खा फ़ायदा पहुँचता है। तो मुझे लगता है कि यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में मरीज़ों को, खासकर जो हाइपरटेंशन के पेशेंट्स हैं, इस तरह के जो मरीज़ हैं, उनको यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन की तरफ रुजू करना चाहिए। यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में कुछ दवाएँ बहुत आम हैं जिनका इस्तेमाल हम बहुत कॉमनली करते हैं। उन दवाओं में तुख्मे खरपज़ा, तुख्मे खयारैन, गोखरू, परस्यावशां, फिलफिलसिया कुछ मामलात के अंदर इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा यूनानी से संखाहुली, ये दवाएं कुछ ऐसे नाम हैं जिनको हम आम तौर से यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में यूज़ करते हैं, जो इंडिविजुअल फॉर्म में यूज़ करते हैं, जो शांदों की शक्ल में यूज़ करते हैं, पाउडर की शक्ल में यूज़ कर सकते हैं। इनके अलग अलग तरीके हैं मरीज़ों को इस्तेमाल कराने के लिए, और हम देखते हैं कि जिन मरीज़ों को इन दवाओं का इस्तेमाल करते हैं, वो दवाओं को बहुत सारा इन दवाओं से उन पेशेंट्स को बहुत फ़ायदा पहुँचता है, और ग्रेजुअली वो मर्ज़ बहुत आसानी के साथ, मज़ीद दूसरे सिस्टम्स को नुकसान पहुँचाए हुए, वो आसानी के साथ मरीज़ को हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये जो दवाएँ हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया, मैंने आपसे अर्ज़ किया कि ये दवाएँ बहुत सारे फॉर्म्स में अवेलेबल हैं, और ये दवाएँ बड़ी कॉस्ट इफ़ेक्टिव हैं, आसानी के साथ दस्तियाब हैं, आसानी के साथ अवेलेबल हैं, और बहुत सस्ती हैं। ऐसा नहीं है जो मार्केट में दूसरी दवाएँ हैं उनके मुकाबले में कंपेरेटिवली ये सस्ती हैं, ये महंगी दवाएँ नहीं हैं और आसानी से अवेलेबल हैं। हर जगह ये दवाएँ दस्तियाब हैं, हर जगह ये दवाएँ मौजूद होती हैं, इनको लिया जा सकता है। लेकिन शर्त होता है कि इन दवाओं को लेने के लिए आपको किसी यूनानी स्पेशलिस्ट के साथ बात करनी होगी, यूनानी स्पेशलिस्ट के साथ आपको जाना होगा, अपने मर्ज को उसको जांच करानी होगी, फिर वो आपको ये दवाएं प्रिस्क्राइब करेंगे। ये दवाएं बहुत सारे कंपाउंड फॉर्मुलेशंस में भी अवेलेबल हैं। हमदर्द, जहाँ से मैं ताल्लुक़ है, जिस इंस्टीट्यूशन में मैं काम करता हूँ, मैं रोज़मर्रा यहाँ बहुत सारे मरीज़ हाइपरटेंशन के देखता हूँ, और हाइपरटेंशन का इलाज हमदर्द की बहुत सारी दवाओं से करने की कोशिश करते हैं। हमदर्द की जो दवाएं हैं, जो मैं जो उनको प्रिस्क्राइब करते हैं, जो हमारे बहुत सारे साथी पूरे देश में इस्तेमाल करते हैं, वो बहुत इफ़ेक्टिव हैं और बहुत सारी रिसर्च के बाद डेवलप हुई हैं, जिसमें से एक नाम मैं आपको अर्ज़ करूँ, अजमलून एक नाम है जो बहुत अहम नाम है, जो हाइपरटेंशन के मरीजों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दवाई है और बहुत आसानी के साथ दस्तियाब है, और बहुत सारी रिसर्चेस के बाद हम लोगों ने उसको डेवलप किया है। दूसरा, जो हाइपरटेंशन में एक बड़ा रीज़न है हाइपरलिपिडीमिया का, जिसमें लिपिड्स बढ़ जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल आपने सुना होगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाते हैं, उसको कम करने के लिए, लिपिड्स को लोअर करने के लिए, उनको हेल्थी सिचुएशन के अंदर वापस लाने के लिए लिपोटैप एक बहुत अहम नाम है, जो आजकल बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं, बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं। लिपोटैप एक नाम है। हब्बे मुदिर करके एक दवाई है जिसके ज़रिए से पेशाब ज़्यादा लाया जा सकता है, उसके ज़रिए से फ्लूइड्स को निकाला जा सकता है। हब्बे मुदिर एक दवाई हो गई, लिपोटैप एक दवाई हो गई, अजमलून एक दवाई हो गई। ये दवाएं बहुत अहम हैं, जो बहुत आम तौर से रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रोज़मर्रा के पेशेंट्स को हम इस्तेमाल करते हैं, और बहुत सारे पेशेंट्स इनसे फ़ायदा उठा रहे हैं।